Today we are going to discuss about the Compton effect. So when a monochromatic beam of X-rays is scattered by a substance, ये monochromatic beam है हमारे पास X-ray that is scattered when monochromatic beam of X-ray is scattered by a substance, the scattered X-ray contains radiation not only of the same wavelength as that of the primary rays, but also the radiation of the longer wavelength. The former is called the unmodified radiation and the latter the modified radiation. The phenomena giving rise to the modified radiation is called the Compton effect. So in this case, हम जो है वो क्या लेते हैं, एक इंसिडेंट फोटोन यानी कि जो एक्सरे जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक हमारे पास बीम है ऑफ एक्सरेज की, जो क्या है फोटोन्स है कंसिस्टेंस में, जिसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर है और मोमेंटम क्या है एच न्यू बाई सी के बराबर है. यानी कि इसके जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. नाउ दिस एक्सरे और फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, जिसकी वेलोसिटी क्या है जीरो है, मोमेंटम इसलिए जीरो होगा और इसकी जो एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी जो है वो क्या होगा एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी. तो ये हमारे पास है. नाउ जब ये एक्सरे फोटोन स्ट्राइक करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन और दिस इज द आफ्टर कोलिजन. तो स्कैटर्ड जो फोटोन है वो चला जाता है इन द डायरेक्शन लाइक दिस, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो जाता है एट द एंगल फाइव विद द एक्स एक्सिस. स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है अब वो है वो क्या न्यू डैश बन गई, तो मोमेंटम हो गया उसका पी इक्वल टू एच न्यू डैश डिवाइड बाई सी और उसकी जो एनर्जी है वो हो गई एच न्यू डैश. नाउ द रिकॉइलिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेलोसिटी है वो हमने माना वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि वी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड जो वेलोसिटी है उसकी वो बी है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा पी इक्वल टू एम बी और उसका जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एम इज द मास व्हेन इट गेट्स द वेलोसिटी. तो जो मास का रिलेशन है वो व्हेन द वी इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो रिलेटिस्टिक मास जो है हमारे पास एम इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, जहां एम नॉट क्या है मास ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट है ना, एम इज द मास जो मूव कर रहा है, तब उसका मास कितना है विद द वेलोसिटी वी, तो मास एम हो जाएगा. तो न्यू डैश जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन है हमारे पास. तो नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के प्लस इट्स रेस्ट एनर्जी. तो रेस्ट एनर्जी अगर ऐड कर दें हम इसमें तो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल एनर्जी. तो एम सी स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर और के आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. तो ये एम क्या है वो इस रिलेशन से हम रख देंगे, तो एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. तो के इक्वल टू हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन. द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो मोमेंटम है हमारे पास रिकॉइल जो हो रहा है उसका जो मोमेंटम है कितना है पी इक्वल टू एम बी. तो एम बी जो है वो पी जो है हमारे पास किसके एम जो है वो मास जो हमारे पास मास रिलेटिव फॉर्मूले से आ जाएगा एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी. नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी गेट एच न्यू जो है हमारे पास दिस एच न्यू है ना, एच न्यू हमारे पास क्या है एनर्जी है किसकी इंसिडेंट फोटोन की और इधर अगर हम ले जाएं रेस्ट मास को तो एम नॉट सी स्क्वायर जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा इधर, ठीक है ना. तो वो हमारे पास एनर्जी किसकी है हमारे पास अब ये स्कैटर्ड फोटोन की एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी इसकी रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की. तो नाउ अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एंड वाई. तो ये जो हमारे पास है इस मोमेंटम को हम रिजोल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन. तो एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा
अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, एच इंटू डी एस बाई सी अलोंग वाई साइन थीटा अलोंग वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है, पहले जो हमारे पास एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास मोमेंटम था वो एच न्यू बाई सी, तो एच न्यू बाई सी इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, ये जीरो आ गया। इसका मोमेंटम अलोंग एक्सिस आ जाएगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, प्लस इसका जो मोमेंटम है वो आ जाएगा हमारे पास एम बी, एम क्या है हमारे पास एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा कॉस फाइव। ऐसे ही इसका मोमेंटम जो है अलॉन्ग वाई एक्सेक्शन वाई एक्सिस रेस्ट पोजिशन में क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जीरो प्लस जीरो, इसका भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आप कह सकते हैं, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू इसका जो मोमेंटम है अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा एच यू डैश बाई सी साइन थीटा, और इसका आ जाएगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन हमारे पास एम बी कॉस और साइन फाइव, एम बी साइन फाइव, तो एम बी एम क्या है एम नॉट डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वी इंटू साइन फाइव। अब ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इनको रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाली सिक्स एंड सेवन, तो ये हमारे पास एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डिवाइड डैश बाई सी कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट वी डिवाइड बाई वन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेवन आ जाएगा हमारे पास एच न्यू डैश साइन थीटा डिवाइड बाई सी इक्वल टू एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन फाइव। अब इनको दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दें और एड कर दें, तो क्या मिलेगा हमारे पास एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डे बाई सी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ही हमारे पास आ जाएगा एम नॉट वी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम नॉट वी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। नाउ ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करिए तो एच न्यू बाई डैश एच न्यू डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश डिवाइड बाई सी कॉस थीटा स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा एच न्यू डैश बाई सी कॉल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा एम नॉट वी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हम जो हमारे पास था ये वो, हाँ क्योंकि हमारे पास इनका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसका जो स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमारे पास ये था फाइव था, ये फाइव था ये, तो इसमें हम जो है ये नहीं कॉमन ले लिया, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो गया, वन के बराबर हो गया। नाउ ये हमारे पास इसको दोबारा करिए एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर है ना, और ये क्योंकि ये दो टर्म है दोनों, ये करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन है इसमें, तो वन आ जाएगा, और ये एज इट इज रख देंगे टर्म, और ये हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगी एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वो एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ इसको जो है जो इक्वेशन हमारे पास ये थी फिफ्थ, इसको हम सी से डिवाइड करें तो एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच न्यू बाई सी प्लस एम नॉट सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी आ जाएगा। इसको एम नॉट सी को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये हमारे पास एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी प्लस एम नॉट सी इक्वल टू माइनस एम नॉट सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली, तो ये हमारे पास हम हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो टू एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड और प्लस टू जेड एक्स, ये हमारे पास होता है, इससे ये स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, और माइनस टू इंटू दिस और ये आ जाएगा हमारे पास, और दिस इंटू दिस ये आ जाएगा हमारे पास, और दिस इंटू दिस ये हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वन, वो डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
तो ये एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो एच न्यू टू एच आ जाएगा और एम नॉट ये आ जाएगा और इसमें कॉमन आ जाएगा ये फैक्टर, तो ये हमारे में न्यू माइनस न्यू डैश बचेगा इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ इसको जो हमें इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन है टेन, इस वैल्यू में से 11 माइनस 10 कर देते हैं तो ये फैक्टर जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये जुगत हुआ जाएगा, ये हमारे पास फैक्टर है ये प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये जो एज इट इज आ जाएगा, और इसमें जो हमारे पास है ये था इसमें एम नॉट सी स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखिए आप इसको एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस टू एच एम जीरो नॉट बाई न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस है क्योंकि, तो टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू एच एम नॉट न्यू 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 माइनस न्यू डैश, इसमें भी ये फैक्टर हमारे पास जो है टू एच वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम नॉट न्यू न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू एच न्यू न्यू डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। नाउ द फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू हम जब पता है हमें सी अपॉन लेमडा, क्योंकि सी इक्वल टू न्यू लेमडा है, ऐसे ही न्यू डैश जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की बन गई वो न्यू डैश बन गई और वेवलेंथ उसकी हमने माना लेमडा डैश, ठीक है ना, तो सी इक्वल टू न्यू डैश लेमडा डैश आ जाएगा, ठीक है ना, तो यह लेमडा एंड लेमडा डैश आ था वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, इसकी इंसिडेंट की हमारे पास एक्सरे की फोटोन की, और ये हमारे पास लेमडा डैश किसकी वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हम पुटअप कर दें इसमें तो एम नॉट सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा डैश इक्वल टू एच सी सी, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा और न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लेमडा डैश ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और एम नॉट सी वन सी इसमें सी कॉमन आ जाएगा तो एम नॉट सी वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा डैश इक्वल टू सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो एच अपॉन लेमडा लेमडा डैश वन माइनस कॉस थीटा। इसमें एलसीएम ले लीजिए लेमडा लेमडा डैश तो लेमडा डैश माइनस लेमडा आ जाएगा और ये इक्वल टू एच लेमडा एच अपॉन लेमडा लेमडा डैश वन माइनस कॉस थीटा, ये लेमडा लेमडा डैश कैंसिल होता हो जाएगा तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच नॉट डिवाइड बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इट मीन्स द वेवलेंथ इज चेंज्ड, किसकी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या हो गई ज्यादा हो गई इन कंपेरिजन टू द वेवलेंथ हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की, या इस फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी स्कैटर्ड फोटोन की और हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन द वेवलेंथ डेल्टा लेमडा इज कॉल्ड द कॉम्प्टन शिफ्ट। इस डेल्टा लेमडा जो चेंज इन वेवलेंथ आई है हमारे पास इसमें स्कैटर्ड फोटोन में और इंसिडेंट फोटोन में उसकी जो डिफरेंस है वेवलेंथ का उसको हम कहते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट। नाउ कम्स टू द क्वांटम वेवलेंथ, तो एच अपॉन एम ये हमारे पास जो फैक्टर है एच अपॉन एम नॉट सी इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है एच अपॉन एम नॉट सी हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये लेंथ की डायमेंशन होगी इसकी क्योंकि ये किसके बराबर है वेवलेंथ के बराबर है, तो इसलिए ये वेवलेंथ जो है हमारे पास लेंथ की टर्म डायमेंशन में होगी तो ये मीटर सेंटीमीटर की टर्म्स में होगी या एंगस्ट्रॉम की टर्म में होगी एंड इज नोन एज कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम इसको कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड एच ई वैल्यू प्लैंक कॉन्स्टेंट है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड होती है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.11 × 10⁻³⁶ किलोग्राम होगा और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 0.0243 × 10⁻¹० मीटर और अंगस्ट्रॉन्ग की टर्म में 0.0243 अंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि दिस शो दैट द चेंज इन वेवलेंथ, जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ है लेमडा डैश माइनस
लैम्डा डिपेंड्स नाइदर ऑन द इंसिडेंट वेवलेंथ नॉर ऑन द स्कैटरिंग, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, नंबर आ गई, डिपेंड्स बट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, क्योंकि हमारे पास ये थीटा आ गया, वन माइनस की थीटा, क्योंकि डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0243 है ना, वन माइनस कॉस थीटा। तो किस पर डिपेंड करा ये हमारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इस जो स्कैटर्ड एंगल हुआ इस एंगल पर हमारे पास थीटा पर डिपेंड करा। तो अगर हम थीटा इक्वल टू, अगर ये स्कैटर्ड फोटोन हमारे पास 90 डिग्री पर एक्सिस से 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाए तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास डेल्टा लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस 90, और एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस जीरो हो जाएगा, और एच अपॉन एम नॉट सी तो ये आ जाएगा 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो दिस रिजल्ट वाज वेरीफाइड बाय द कॉम्पटन हिमसेल्फ। ये 90 डिग्री पर जब स्कैटर्ड हुआ तो कॉम्पटन ने जो चेंज इन वेवलेंथ निकाली वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थी। ठीक है, थैंक यू।